नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और अभी तक हम पढ़ रहे थे दोस्तों कि क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं साइट पे और क्या इंजीनियर्स को देखना होता है। लास्ट वीडियो तक हम लोग पहुंचे थे कि पीसीसी कैसे करना है, सिंपल ड्राइंग हम लोग कैसे रीड करते हैं। अभी तक दोस्तों जो हम लोग कॉलेज में ड्राइंग बनाते थे, ज़्यादा एक बिल्डिंग की ड्राइंग बनाते थे, प्लान होता था, सेक्शन होता था जो हम बना देते थे, पूरी डिटेल हम नहीं भर पाते थे। साइट पे जाते हैं तो आपको इस तरह की ड्राइंग मिलती है। ये एक छोटा सा सिंपल स्ट्रक्चर का मैं लेके आया हूँ जो केबल ट्रेंच है। केबल ट्रेंच एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं जब अंडरग्राउंड किया जाता है तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है परमानेंट, जिसको हम केबल ट्रेंच बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी आपको जब दोस्तों ड्राइंग मिलेगी तो इस तरह की मिलेगी। ये डब्ल्यू मीन्स विड्थ शो करता है, डी मीन्स डेप्थ हो गया, सी सी मीन्स क्लियर कवर। अब कहेंगे क्लियर कवर क्या है, हमने तो डिजाइनिंग में कवर पढ़ा है या इफेक्टिव कवर पढ़ा है। क्लियर कवर रेइंफोर्समेंट के आउटर फेस से जो शटरिंग का आउटर फेस होगा या स्ट्रक्चर का जो आउटर फेस होगा क्लियर कवर होता है। अब ये देखिए स्टैंडर्ड प्रीकास्ट कवर, इस पे बाद में इसको कवर किया जाता है। ये 5 mm का इसमें गैप दे रखा है, टी मीन्स वॉल की थिकनेस हो गई, ये 25 टिपिकल दे रखा है जो कवर होगा आपका केवल टॉप के लिए। अब देखिए रेइंफोर्समेंट जो होती है वो इन्होंने सीरियल नंबर से दे रखा है। सीरियल नंबर 1 जो वॉल का वर्टिकल है, 2 राफ्ट का टॉप बार है, 3 ये बाइंडर है वॉल का, 4 ये राफ्ट का बाइंडर है, एंड 5 जो राफ्ट का बाइंडर है। अब देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इन्होंने कि फॉर डिटेल्स ऑफ रेइंफोर्समेंट बार 1 to 6 रेफर टेबल नंबर 4 सीट 12 of 70। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इन्होंने डिटेल टेबल हमें 4 मिल गया, ये केबल ट्रेंच का रेइंफोर्समेंट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, सपोज एग्जाम्पल हमने 750 डेप्थ और 750 विड्थ का हमने एक ट्रेंच ले लिया। अब यहाँ इन्होंने टेबल में दे रखा है कि उसकी वॉल की थिकनेस 100 mm होनी चाहिए और जो क्लियर कवर आप पकड़ेंगे वो 40 mm होना चाहिए। रेइंफोर्समेंट का भी इन्होंने डिटेल दे रखा है, जैसे 1 नंबर जो रेइंफोर्समेंट है इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यू देखिए है यहाँ से लेके पूरा अप टू टॉप तक, मीन्स ये यू शेप का रेइंफोर्समेंट हमें तैयार करना पड़ेगा। अब देखिए 1 नंबर में इन्होंने 750 8 200 सेंटर बाई सेंटर दे रखा है। फिर जो 2 नंबर बार है यहाँ पे देखिए, 2 नंबर जो है राफ्ट का मेन टॉप बार वो है आपका 8 150 सेंटर बाई सेंटर, मीन्स ये mm है। यदि कुछ नहीं दे रखा है तो mm में सारी मेजरमेंट रहती है। सेम लाइक यदि 3 का आप देखें, 4 and 5 का, तो 3, 4, 5 यहाँ पे 8 300 सेंटर बाई सेंटर तीनों रेइंफोर्समेंट है। अब दोस्तों आते हैं थोड़ा सा नोट्स के ऊपर। कोई भी आप ड्राइंग लेंगे तो उसमें थोड़ी नोट्स मिलती है। जैसे इसमें देखिए आरसीसी केबल ट्रेंचेज आर डिजाइन फॉर ए सरचार्ज लोड ऑफ 10 टन हाइड्रा, 10 टन के लिए डिजाइंड है। द क्वांटिटी गिवन इन दिस टेबल आर फॉर एस्टिमेशन पर्पस ओनली। ये जितनी भी क्वांटिटी है, जैसे कॉन्क्रीट क्वांटिटी है, रीबार क्वांटिटी है, शटरिंग क्वांटिटी है, ये ऑन साइट वेरीज हो सकती है, ये एज पर ड्राइंग कैलकुलेशन है, ओनली फॉर एस्टिमेशन के लिए। फिर प्रिफरेबली द डेप्थ ऑफ केबल ट्रेंच शैल नॉट बी मोर देन द विड्थ। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है कि विड्थ से जो डेप्थ है ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखिए ट्रेंच ऑफ डेप्थ 300 and 500 mm इन ब्रिक मेसनरी वेयर एवर स्पेसिफाइड। अब जहां स्पेसिफाइड होगा वहां पे 300 और 500 mm की जो केबल ट्रेंच है डेप्थ की, उसे हम ब्रिक वर्क से करेंगे। जैसा ब्रिक वर्क का भी एक यहां पे देखिए डिटेल दे रखा है इन्होंने छोटा सा, कि सबसे पहले नीचे कंक्रीट होगी M15 की पीसीसी। अब देखिए दोस्तों, मैंने पीसीसी में आपको ऑफसेट बताया था, यहाँ पे शो कर रखा है इन्होंने कि 50 mm टिपिकल लेना है, मतलब 50 से हम ज़्यादा नहीं लेंगे। और मैंने आपको 100 बताया था, यदि ये नहीं दिया होता या कहीं स्पेसिफाइड नहीं है तो हम जितनी थिकनेस है उतना हम ऑफसेट ले सकते। अब देखिए ब्रिक वर्क के ऊपर एक मोटी लाइनिंग दे रखी है जिसको इन्होंने शो कर रखा है 12 mm थिक प्लास्टर इन सीमेंट मोर्टार 1:6 का। अब ये प्लास्टर देखिए कहाँ तक होना है, इन साइड में तो सराउंडिंग होना है, ये तो आपने देख लिया, बट आउट साइड में देखिए इन्होंने यहीं तक केबल शो किया है जो FGL फॉर जो पेविंग लेवल है उससे 100 mm नीचे तक आपको यहाँ पे प्लास्टर करना है। अब इसकी डेप्थ देखिए 300/500 दे रखी है इन्होंने, दोनों में से जो जहाँ पे स्पेसिफाइड रहेगा उस तरह से यूज करेंगे। वॉल की थिकनेस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 430 + 250 = 630 mm। फिर इस तरह से थोड़ा हम ड्राइंग रीड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा जो कि BBS कैसे बनाते हैं और किस तरह से तैयार करते हैं। ये वीडियो दोस्तों यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कुछ कमी लगे तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।